राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होने लगा है। दिल्ली में गुरुवार को एक प्राइवेट स्कूल में कोरोना वायरस की चपेट में टीचर और स्टूडेंट आ गए, जिसके बाद अन्य छात्रों को छुट्टी पर भेज दिया गया। अब विधायक आतिशी ने कहा है कि मामले पर पूरी सावधानी से नजर रखी जा रही है। इससे पहले दिल्ली में सटे नोएडा में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में नोएडा में 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। नोएडा प्रशासन कुल 68 सैंपल्स को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजने जा रहा है। जो बच्चे नोएडा में पॉजिटिव मिले हैं उनकी उम्र 18 साल से कम है। इस दौरान पूरे नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।